सिस्टर आपने कहा था पिछले एपिसोड में कि अगर हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस खाते हैं जी जो आपने कई सारे हमसे शेयर भी किए जो हमारे दर्शक पिछले एपिसोड में देख सकते हैं आपने कहा था कि अगर हम इन रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे तो उसका बहुत बड़ा असर हमारे शरीर पर और हमारे मन पर भी पड़ता है जी। ऐसे में आप मुझे ये बताइए अगर हम इस रॉन्ग कॉम्बिनेशनस को बदल कर एक नई लाइफस्टाइल को चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या क्या टिप्स है जब भी हम भोजन करने बैठे तो जैसे कि हमने सूत्र को डिस्कस किया था जो वागभ जी ने दिया है जी। कि कोई भी दो विरुद्ध गुण और स्वभाव की चीज़ों को एक साथ ना खाएं तो इसी पैरामीटर को याद रख कर आप अपनी खाने पीने की चीजों को चेक कर सकते हैं कि हम जो प्लेट में लेकर खाने लगे हैं वो गुण और स्वभाव में एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं है Okay. अगर ऑपोजिट है तो चेंज कर लीजिए अगर सेम है तो खा लीजिए दिस इज वेरी इजी क्योंकि 108 चीजों को याद रखना वो इतनी बड़ी लिस्ट है अष्टांग हृदयम में अष्टांग संग्रह में सब कुछ खोल कर उन्होंने दिया है जी. लेकिन वो इतनी सांस्कृतिक लैंग्वेज है और इस थोड़ा सा टफ हो सकता है आज के आ, समाज के लिए कि हो सकता है किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो बैठ करके पढ़े लेकिन इस कसौटी पर आप चेक कर सकते हैं जो दो चीज़ें आप ले रहे हैं उसके गुण देख लीजिए क्या ये एक जैसे हैं सिमिलर हैं तो यू कैन टेक इट इफ इट्स ऑपोजिट इन नेचर देन डोंट टेक इट फिर अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल जी इसी के साथ एक और सूत्र जुड़ता है कि भोजन जब भी करें तो ज़मीन पर बैठकर करें अच्छा धरती से टच होकर के अगर हम रहें और उस ही स्थिति में अगर भोजन करें तो वो हमारे बॉडी के लिए माइंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन मैनी वेज नंबर वन जब आप आलती पालती मार के बैठे हैं चौकड़ी मार के बैठे हैं धरती से जुड़े हुए हैं तो आपको धरती माँ की शक्ति मिलती है यू गेट द पावर इन द बॉडी नंबर टू आपका जो सबसे नीचे का चक्र है मूल आधार चक्र वो एक्टिवेट हो जाता है ओके okay. जो कि इस तरह से बैठने पर एक्टिवेट नहीं होता जब आलती मालती मार करके नीचे जमीन पर आप बैठते हैं और धरती से टच होते हैं तो आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होता है तो उसका कलर भी रेड है तो आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है वो अप होता है वो बूस्टअप हो जाता है जी एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं जितनी बार आप झुकेंगे और झुकेंगे फिर उठेंगे फिर उसको ग्रहण करेंगे तो उस पोजीशन में बैठ कर के खाने में नेचुरली डाइजेशन बहुत अच्छा होता है ओके okay. तो इसलिए आज भी जापान चाइना कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं और इंडिया में अगर आप देख लें तो गुजरात और साउथ uh, इंडिया ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आज भी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद लोगों को घरों में चप्पल उतार के अंदर जाना पसंद है और वो जमीन पर बैठ कर के ही ऐसे ही जमीन पर बैठ कर केले के पत्ते लेकर के उन पर ही भोजन डाल के उसको ग्रहण करते हैं जी तो दैट इज वेरी हेल्दी और आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो तो ज्यादा हेल्दी है। हैं अच्छा ये बहुत सारी चीज़ें हैं आप जापान और चाइना में देख लीजिए कि जो लोग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या पुराने रीति रिवाज़ों को अभी भी घरों में यूज़ करते हैं तो वो बहुत स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य जीते हैं wow. बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ उनकी रहती है और उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइफ में हाउ ब्यूटिफुल